हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका आज की टेक न्यूज़ में। दोस्तों बहुत सी अच्छी न्यूज़ है तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर करना। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले टेक न्यूज़ की तरफ। फेसबुक ने दोस्तों आज फाइनली अपने न्यूज़ के सेक्शन को अपलोड कर दिया, जिसमें आपको चार टाइप की न्यूज़ मिलेंगी, जो कि एक जर्नल होगी, फिर दूसरी टॉपिकल होगी, तीसरी उसमें डाइवर्स न्यूज़ मिलेगी और चौथी उसमें लोकल न्यूज़ मिलेगी। और दोस्तों इसमें जो न्यूज़ डालेंगे, जैसे कि जो पब्लिशर होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे और पहले फेसबुक से वेरीफाइड होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फेसबुक ने काफ़ी अच्छा फीचर लॉन्च किया, क्योंकि बहुत से लोगों को न्यूज़ देखना पसंद होता है और पढ़ना भी पसंद होता है। तो दोस्तों अब उनके लिए आसानी हो जाएगी, फेसबुक चलाते चलाते थोड़ा ज्ञान भी ले लेंगे। तो बढ़ते दोस्तों अगली टेक न्यूज़ की। दुनिया के नंबर वन आदमी जेफ बेजोस ने आज अपना स्थान खो दिया है, जो कि बिल गेट्स अब फिर से नंबर वन पे आ चुके हैं और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे। बात करें इनकी टोटल धनराशि की, तो जो बिल गेट्स हैं उनकी 105.7 बिलियन डॉलर्स, और जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1,75,000 करोड़ रुपीस होती है, जो कि काफी ज्यादा पैसा है। जेफ बेजोस हैं उनकी टोटल धनराशि है 103.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि कन्वर्ट करें तो 1,36,000 करोड़ रुपी होती है। तो दोस्तों ये थी इनकी टोटल राशि है, और फिर से बिल गेट्स को बधाई है, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ की। दोस्तों जो एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है, इनको आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1.4 लाख करोड़ रुपीज देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। जो ट्रैफिक लॉ था जियो के आने के बाद, तो जियो के साथ साथ इनको भी अब थोड़ा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, जो कि 1.4 लाख करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज की। अब दोस्तों आज चाइना में हुआ वे एंजॉय 10S लॉन्च हो चुका है, जो कि ट्रिपल एयर कैमराज के साथ आता है, और फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, बाकी के पीछे के तीन कैमरे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, और दोस्तों इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। और दोस्तों बात करें इसकी स्क्रीन की, तो 6.3 इंचेस के 20:9 रेशियो वाली स्क्रीन है, जो कि काफी अच्छी स्क्रीन है। और दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो ये आता है किरिन 710F प्रोसेसर पे, जो कि काफी अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों 15,000 की प्राइसिंग में 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों काफी अच्छी प्राइसिंग है, अगर इंडिया में भी आता तो इससे थोड़ी कम प्राइसिंग में आएगा, क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है चाइना के हिसाब से। तो दोस्तों बढ़ते अगली टेक्निक्स की तरफ। दोस्तों गूगल ने आज अपने प्ले स्टोर से 42 मैलिशियस ऐप को वो लात मार के बाहर फेंक दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि गूगल ये करते रहता है, जैसे ही कोई मैलिशियस ऐप मिलता है तो उसको वो बाहर निकाल देते हैं, ताकि यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आपके पास इनमें से कोई ऐप है तो आप जल्दी से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली टेक न्यूज की तरफ। दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आई है कि जो टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक का आजकल रिव्यू चल रहा है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के 2 सीनेटर्स हैं वो उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो चाइनीज ऐप है ये हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे देश के लिए खतरे की बात है, ये काउंटर पॉइंट बन चुका है, जो कि चाइना को हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। भले ही उन्होंने अभी कोई पक्का सबूत इसके खिलाफ नहीं दिया है, पर उन्होंने सरकार को वार्न कर दिया कि इस ऐप को जल्दी से जल्दी बैन कर दीजिए। और दोस्तों बात करें इसकी पूरे टोटल की, 110 मिलियन टोटल डाउनलोड्स इसके अमेरिका में, तो दोस्तों ये उनके लिए काफ़ी सीरियस बात हो जाती है अगर ये साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की न्यूज़ यही खत्म होती है, आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे करें। तो दोस्तों मैं सचिन भट्ट, आप देख रहे थे आज की टेक न्यूज़, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Till then, have a great day. Goodbye and take care.